भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरीके से सत्ता का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद लगातार वैश्विक स्तर पर ये सवाल उठ रहे हैं कि दक्षिण एशिया में आखिरकार ये गृह युद्ध स्थिति कैसे पैदा हो गई। गृह युद्ध स्थिति का मतलब ये है कि जब देश की जनता ही उसके नुमाइंदों या प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ बगावत कर दे। यही कुछ हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश में वर्ष 1947 में पूर्वी बंगाल के, जो उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, उस परिवार में पैदा हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ देश के लोगों ने जंग छेड़ दी। आपको बता दें कि शेख हसीना का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ। वर्ष 1971 में बांग्लादेश के अलग देश बन जाने के बाद शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिता थे, वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। यानी कि शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु और बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन के रूप में भी देखा जाता रहा है। लंबे वक्त तक इस परिवार ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और वर्ष 1975 में सैन्य तख्तापलट के दौरान शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के तमाम सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। अधिकतर लोग, उनके परिवार के जो थे, वो उस सैन्य तख्तापलट का शिकार हुए और उन्होंने मौत को गले लगा लिया। ऐसे में शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेष रह गई थी परिवार के सदस्यों के रूप में, जो कि उस वक्त विदेश में मौजूद थी। ऐसी ही परिस्थितियां शेख हसीना के लिए अब ठीक करीब 49 साल बाद फिर से आई हैं, जब उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे, जिन्होंने उनके आवास के ऊपर हमला किया, जिन्होंने शेख हसीना की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया, उसके बाद बांग्लादेश की स्थिति काफ़ी डामाडोल होती हुई नजर आई। आपको बता दें कि बांग्लादेश जूट और रेशम के व्यापार में वैश्विक स्तर पर काफ़ी मजबूती के साथ अपनी पकड़ बनाता हुआ नजर आ रहा था। वर्ष 2019 से 24 के आते आते तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से भी तेजी से विकास करने लगी थी। यानी कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश था, उसकी जो बढ़ोतरी थी, वह अप्रत्याशित देखी गई। IMF और तमाम वैश्विक स्तर की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की का जिक्र वैश्विक पटल पर किया। मुस्लिम बाहुल्य देश होने के बावजूद भी बांग्लादेश ने जबरदस्त तरीके से पिछले करीब 15 सालों में जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें जबरदस्त उछाल यहां पर प्राप्त करने में एक कामयाबी हासिल की। सीमित संसाधनों के होते हुए शेख हसीना ने बांग्लादेश की राजनीति और बांग्लादेश के विकास के लिए एक नई इबारत लिखी। लेकिन शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई, लिहाजा उन्हें देश छोड़ना पड़ा और इस वक्त शेख हसीना भारत में मौजूद है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर भी आने वाले वक्त में आंच आती हुई नजर आ सकती है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत के संबंध मैत्री देशों के रूप में देखे जाते रहे हैं। भारत ने बड़े बड़े लंबे प्रोजेक्ट बांग्लादेश में लगाए हैं और भारत की सरकार आज़ादी के वक्त से ही बांग्लादेश को विशेष सहयोगी देश होने के नाते आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती रही है। लेकिन अब क्या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ेगा? क्या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से भी अब छोड़ यहाँ पर किसी अन्य दूसरे देश में शिफ्ट होना पड़ेगा? इस वक्त आपको बता दें कि शेख हसीना शरणार्थी के रूप में भारत में रह रही हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक डॉक्यूमेंट में, एक यहाँ पर एक आधिकारिक पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शेख हसीना अब ज़्यादा वक्त तक भारत में नहीं रहेंगी और उन्होंने किसी दूसरे देश में शिफ्ट होना पड़ेगा। ऐसे में आने वाला वक्त जो है शेख हसीना के परिवार के लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको बता दें कि 49 साल के बाद बांग्लादेश में फिर से वह स्थिति पैदा हो गई है जो 1975 में होती हुई नजर आई थी, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान, जो कि फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में बांग्लादेश में माने जाते हैं, उनके परिवार के साथ जो सलूक हुआ, 20 सालों से बांग्लादेश की सत्ता पर
शेख हसीना काबिज थी। 8 अगस्त 2024 को यहां पर सैन्य तख्तापलट और गृह युद्ध जैसी स्थिति शेख हसीना को तमाम यहां पर जिस तरीके का विवाद का सामना करना पड़ा, उसके बाद यहां पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में यहां पर मोहम्मद यूनुस जो है अपनी शपथ ग्रहण लेते हुए यहां पर दिखाई दिए और एक नई सरकार का गठन बांग्लादेश में होता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस को जो अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार मिल चुका है और बांग्लादेश में एक प्रमुख समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते रहे हैं, विपक्ष में एक बड़ी भूमिका निभा रहे थे। शेख हसीना की तमाम उन नीतियों का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे और उन नीतियों के आधार पर ही ये दावा कर रहे थे कि बांग्लादेश लगातार वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने जो सफलता का एक रास्ता तय किया वो इस बात के संकेत देता है कि भारत जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था से भी तेजी से विकास करने के इरादे से बढ़ रहा बांग्लादेश आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति में चला गया। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर एक छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, उस आरक्षण की मांग को लेकर ये कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, सरकारी नौकरी और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाने वाला आरक्षण असंवैधानिक है और ऐसे में यह देश के नागरिकों के हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, लिहाजा बांग्लादेश की स्थिति काफी नाजुक होती हुई नजर आई। धीरे धीरे करके ये आरक्षण की मांग एक बड़े आंदोलन में परिवर्तित होती हुई नजर आई। हमने देखा बांग्लादेश में पिछले कुछ वक्त में जो माइनॉरिटीज थे यानी कि अल्पसंख्यक जिसमें हिंदू और सिख समुदाय से आने वाले लोगों की बहुतायत थी, वहां पर जबरदस्त अत्याचार देखने को मिला। वैश्विक स्तर पर भी शांति बहाल करने की मांग बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार थी उसके द्वारा की गई, बांग्लादेश के राष्ट्रपति के द्वारा की गई और उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने सत्ता का तख्तापलट करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। बांग्लादेश में इस वक्त परिस्थितियां जो है वो नाजुक बनी हुई है और आने वाले वक्त में यहाँ पर देखना ही होगा कि किस तरीके से मोहम्मद यूनुस सरकार को चलाते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से बांग्लादेश का आर्थिक और सामाजिक जो सौहार्द बिगड़ा है वो वापसी कर पाता है, क्योंकि बांग्लादेश को पिछले करीब 15 दिनों में जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो भी निवेश हो रहा था बांग्लादेश में वो निवेश इस वक्त जो है वहाँ उनकी मुट्ठी से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए यहाँ पर जो है तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। शेख हसीना शरणार्थी के रूप में भारत में मौजूद है, बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति काफ़ी नाजुक है और ऐसे में पड़ोसी राज्य होने के नाते भारत सरकार लोगों तक तमाम सुविधाएं तो उपलब्ध करवा ही रही है, इसके साथ साथ विभिन्न सिक्योरिटी फोर्सेज के दम पर यह सीमाओं की यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है और लगातार हर हालत पर नियंत्रण पाने के लिए गृह मंत्रालय अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।